उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में एटीएम हैकर्स की गैंग को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यह गैंग अंतरराज्यीय गैंग है। इसने कई राज्यों में कम पढ़े लिखे लोगों को अपना निशाना बनाया है। इस गैंग का सरगना सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह अपनी गैंग के साथ उन जगहों पर निशाना बनाता था जहां के एटीएम पर गार्ड नहीं होते हैं। यह गैंग ज्यादातर उन लोगों को अपना शिकार बनाते थे जो कम पढ़े लिखे होते थे। पहले तो यह लोग एटीएम से रुपए निकालने वालों के पीछे खड़े रहते थे और उनसे रुपए निकालने की मदद बोलकर उनसे एटीएम अपने हाथ में ले लिया करते थे। फिर अपने हाथ से ही मिनी डिवाइस DX3 की मदद से एटीएम को स्कैन कर लेते थे। इससे कार्ड का डाटा डिवाइस में चला जाता है। वहीं दूसरा साथी इसी बीच कार्ड का पिन देख लेता है और कार्ड क्लोनिंग मशीन और कॉन्टैक्ट IC चिप रीडर मशीन के बारे में बताया कि इसे हमने ऑनलाइन इंडिया मार्ट वेबसाइट से मंगाया था। पकड़ा गया सरगना नेमचंद्र PGDCA का कोर्स किए है और HP कंपनी में वेबसाइट सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग भी कर चुका है। इन चारों ATM हैकर्स नेमचंद्र और उनके साथियों के पास से एक कार्ड क्लोनिंग मशीन, एक MSR मशीन और एक RFID मशीन और 38 ATM कार्ड्स, लैपटॉप, तमंचा और अन्य सामान बरामद हुआ है। प्रतापगढ़ से प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, SKH न्यूज। जनपद प्रतापगढ़ में ATM हैकर्स का अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा गया, जिसमें चार अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जिनका नाम नेमचंद, कपिल वर्मा, कृष्णवीर यादव और राजेंद्र सिंह है। इन चारों से पूछताछ में ये पता चला है कि ये लोग ATM कार्ड्स की क्लोनिंग करके लोगों का पैसा चुराते थे। इसकी मोडस ऑपरेंडी में इनके द्वारा मिनी DX3 नाम की एक स्किमिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें किसी भी व्यक्ति के कार्ड का डेटा ये अपने पास स्टोर कर लेते थे। उसके बाद इस डेटा को वो लैपटॉप में ट्रांसफ़र करते थे और बाद में एक क्लोनिंग मशीन से इस डेटा को एक नए कार्ड में कॉपी कर लेते थे। जब ये ATM कार्ड का डेटा स्किम कर रहे होते तो उसी समय ये उसका पिन भी देख लेते थे। नॉर्मली ये थोड़ा कम पढ़े लिखे और ग्रामीण परिवेश के लोगों को टारगेट करते थे, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। ये तत्काल उस कार्ड से जल्द जितना मैक्सिमम पैसा हो सकता था निकाल लेते थे। पूछताछ के दौरान बनाए इन्होंने कम से कम 500 से 600 ऐसे कार्ड्स का क्लोन बनाकर पैसा निकाला है, जिसमें प्रति कार्ड लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये निकालने में सफल हो जाते थे। नए कार्ड जो आए हैं ATM के, जिसमें RFID चिप्स लगी हुई हैं, उसको भी कॉपी करने के लिए इन्होंने एक RFID स्किमर मंगा लिया था। इसके साथ जो स्लॉट ATM में होते हैं, जहां पर हमारे कार्ड्स इंसर्ट होते हैं, उस स्लॉट को भी चेंज करने की मशीन इनके पास थी, जहां पर ये अपना एक स्किमर लगा देते थे और कार्डों का डेटा कॉपी करके उनका क्लोन बनाने में सक्षम थे। नॉर्मली ये ऐसे ATMs को टारगेट करते थे जहां पर गार्ड नहीं रहते थे। अब तक कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, सरगना इसमें कौन है? इसमें नेमचंद सरोज जो व्यक्ति है वो इसका मेन मास्टरमाइंड है। वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स कर चुका है और हिवलेट पैकेट HP जो एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है सॉफ्टवेयर फर्म, उसके लिए वो डिजिटल मार्केटिंग का भी काम कर चुका है। अभी तक कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और इनका नेटवर्क क्या अन्य जगहों पर अभी फैला हुआ है, पूरा नेटवर्क खत्म? इसमें अभी एक व्यक्ति फरार है। इन्होंने बताया कि इन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक जितने भी राज्य हैं उन सब में ये घटनाएं की हैं। प्रतापगढ़ की 3 घटनाओं का भी खुलासा इसमें हुआ। इससे पहले मानधाता इलाके में